आप सभी को जय मसीह की। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी छोटी सी दवाई है कि मतलब एक दो दिन से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि मैं सही से मैं खड़े भी नहीं हो पा रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे में वीकनेस आ गई थी, मैं खड़े भी नहीं हो पा रही थी, मैं बेड पर थी, मुझे ना चल चला जा रहा था, ना कोई काम हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल सुस्त हो गई थी। इतनी वीकनेस आ गई थी अभी एक दो दिन से, लेकिन कोई टेबलेट असर नहीं कर रही थी। बहुत सारी टेबलेट ली, कोई टेबलेट असर नहीं कर रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन फिर पास्टर जी से मैंने प्रेयर करवाई। आज सुबह मैंने पास्टर जी से प्रेयर करवाई, पास्टर जी ने मुझ पर प्रेयर किया, उन्होंने मुझे पानी ब्लेस करके दिया और उन्होंने मुझ पर प्रार्थना करी। और आज देखो मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। हालेलुया। तो शैतान ने बहुत कोशिश की मुझे रोकने की बहुत कोशिश की उसने, लेकिन वह हार गया। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ जीवन महान परमेश्वर का कि उसने मुझे खड़ा किया, मुझे चंगाई दी, उसका धन्यवाद करती हूँ, लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। मेरी छोटी सी गवाही है, इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की। आप सभी को मैं जय मसीह की करती हूँ। मैं एक इंदौर से हूँ और मैं आज आपको मेरे जीवन की गवाही देना चाहती हूँ सभी को। मतलब मेरा नाम खुशी है और मैं आपको गवाही देना चाहती हूँ मेरे घर के बारे में। मेरे पति एक हिंदू समाज के हैं और मतलब वो इतनी पूजा पाठ करते थे कि उनको मतलब अन्य काल में वो जीवन जी रहे थे कि पूजा पाठ एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि वो घर में पूजा पाठ ना करे। और हम लोग मतलब पहले बहुत अच्छे थे, पर हमारे जीवन में एक क्या कहते हैं उन्हें, मतलब कोई बाबा आए, हम बाबा के चक्कर में पड़ गए थे और वो बाबा हमारे जीवन में आए और हम उनके पास में जाने लगे और हमारी जो भी परेशानियाँ थी वो परेशानी हम उनको बताने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि मेरे पति की नौकरी छूट गई, उसके बाद में किसी ने हमको बताया कि वहाँ पर एक बाबा रहते हैं जिनके चक्कर में हम पड़ गए थे। हम जब भी उनके पास में जाते थे, 2 साल से हम उनके पास में जा रहे हैं और वो हमेशा बताते थे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा और इतने की पूजा लगेगी, 5,000 की, 10,000 की पूजा लगेगी, तो हम वो करते थे। उसके बाद में हम लोग उन पर इतना विश्वास करने लग गए थे कि हमने सब अंधकार चालू कर दिया था मतलब। और हम उस पूजा पाठ में बहुत घुस गए थे उसके अंदर में कि हम बस पूजा पार्टी करते थे और मेरे पति इतनी पूजा पाठ करते थे कि उनका एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि वो पूजा ना करे। जब तक वो आधे घंटे की पूजा नहीं करते थे वो घर से बाहर नहीं जाते थे। और मेरे घर में एक बड़ा सारा संगमरमर का मंदिर बना हुआ था वो घर में और एक बड़े सारे महाकाल जी की तस्वीर लगी थी जो कि मेरे पति रोज उनकी पूजा करते थे। एक दिन मैं पास्टर जी से मिली, मेरी छोटी सिस्टर के द्वारा, नैन्सी के द्वारा मैं उनसे मिली और पास्टर जी से बात हुई। पास्टर जी हमारे घर पे आए, राजा मसीह जी वो हमारे घर पे आए। उन्होंने हमारे को प्रेयर करने के लिए कहा, उन्होंने घर में हमारी प्रेयर भी करी। उसके बाद से मतलब हमारे घर में मेरे पति बहुत शराब पीते थे और बहुत मतलब नशे में रहते थे। उसके बाद में पास्टर जी आए, उन्होंने समझाया, हमारी प्रेयर करी और उन्होंने बताया कि आप जीजस की महिमा करो और प्रेयर करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर जीजस मतलब जब हम बहुत परेशानी में थे उस समय पास्टर जी आए थे, फिर हमने उनका बात मानी थोड़ी बहुत और फिर पास्टर जी हमारे घर से चले गए प्रेयर करके। फिर पास्टर जी वापस से दोबारा मतलब हमारे घर पे आए, 2-3 महीने बाद वो हमारे घर पे आए। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि आप प्रेयर वगैरह करो और ये मूर्ति पूजन ना करो, इन पे विश्वास नहीं करना, अपने परमेश्वर पे विश्वास करना जो जीवित परमेश्वर है। फिर हमने उनकी मतलब मैंने, मेरे पति ने नहीं, मैंने मतलब पास्टर जी की बात सुनी और उन पर विश्वास किया और मैं थोड़ी बहुत प्रेयर करने लग गई थी। और ना मतलब मैं अपनी मम्मी के घर पियर गई थी, पियर में मैंने पास्टर जी आए हुए थे, वहाँ पर प्रेयर चल रही थी और मैं 3-4 दिन वहाँ पर प्रेयर में अटेंड हुई थी। उसके बाद में मतलब मेरा मन ऐसा अंदर से पलट गया कि मैं अब प्रेयर करूँगी, पूजा पाठ नहीं करूँगी, फिर मैंने बंद कर दिया। और उसके बाद से मतलब मैं डरते हुए अपने घर पे गई थी कि मेरे पति मुझसे लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, तो मैं डरते डरते मेरे घर पे गई थी। उसके बाद में मैं पति के मतलब मैं घर पे गई तो मेरे पति ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा मुझसे। और उसके बाद से मेरे घर में बहुत प्रेयर करने के बाद मतलब बहुत शांति सुकून है और मेरे पति ने मुझे मतलब शराब पीना भी बहुत कम, जो आदमी मतलब सुबह से शराब पीता था वो आदमी ने मतलब
बहुत कम कर दी, जो शुकी शाम को पीते हैं वो। मतलब मेरी ये गवाही है, मैं गवाही आपको देना चाहती हूँ। और हमने मतलब अभी हमारे मतलब पास्टर जी आए थे 4-5 दिन पहले, फिर से घर पे आए थे विजिट करने। और उसके बाद में पास्टर जी के मतलब बता के गए थे हमें कि उन्होंने देखा है कि मेरे घर पर मतलब सब मंदिर वगैरह सब मूर्ति वगैरह हट गई है और वचन लगे हुए हैं सारे घर में, और वचन घर पे लगे हुए हैं। और वैसे ही हुआ, पास्टर जी प्रेयर करके गए और 2 से 3 दिन हो गए थे। और मतलब तीसरे दिन पास्टर जी आए और मेरे पति ने मतलब घर की पूरी सफाई करवा दी। उनके मन में ऐसा बदलाव हो गया, उन्होंने इतना बड़ा मंदिर वहाँ से हटा दिया और मतलब जो तस्वीर वगैरह थी, मूर्ति वगैरह थी, वो सब उन्होंने हटवा दिया। और पास्टर जी की बात मानी, प्रेयर करवाया, उन्हें बहुत आशीष मिली है और उन्होंने पास्टर जी का सारा कहना कहा है, मतलब उनको आशीष चाहिए। पास्टर जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। भजन संहिता 30:2, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुआएं दी और तूने मुझे चंगा किया। आमेन। परमेश्वर के द्वारा आप सबको आशीष दे। थैंक यू जीसस। मैं दवाई शेयर करना चाहूंगी आप लोगों से। मुझे 10 साल पहले दुष्ट आत्मा थी और मैं बहुत परेशान थी। रतलाम में रहते थे उस समय हम, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे है ना शरीर में पूरी जकड़न होती थी, नसों में जकड़न, और मेरा दिमाग खराब रहता था। मैं सोचती थी मैं कब ठीक होंगी। मैं इंदौर के सारे हॉस्पिटल गई, विशेष हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, भंडारी हॉस्पिटल और CH अपोलो, वहाँ पर मैंने MRI कराई, लेकिन मुझे जरा सा भी आराम नहीं। और मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई। 10 साल तक मैं बहुत बीमार थी। और उस समय हम लोग आरती चढ़ते थे, मूर्ति पूजक थे, तो हम लोग बहुत मूर्ति पूजा करते थे। मतलब पूजा करना और दरगाह जाना और साईं बाबा के मंदिर जाना। वो पता चला एक दिन कि मैं एक बाबा के पास गई, वहाँ पर मैं से बोले कि 5,000 रुपये लेकर आना, कुछ सामान मतलब लेना पड़ेगा आपको। तो मैंने सामान के लिए पैसे दे दिए, घर आई। उसके बाद मैं थोड़ी बैठती थी, उसके बाद मैं पूरी तरह बेड पे आ गई। मुझे बहुत मेरी बिल्कुल बेड पे आ गई, बहुत तबीयत खराब हुई वह उस समय। फिर हम लोग थोड़े थोड़े मशीन में थे और मैंने प्रार्थना की, थोड़ी सी बैठने लगी मैं। उसके बाद हम लोग इंदौर MP मऊ आ गए। उसके बाद हमारे यहाँ पास्टर राजा मसीह जी आते हैं दिल्ली से। पास्टर जी ने मेरे लिए दुआ की और मेरे ऊपर से 10 साल छुट्टी में दुष्ट आत्मा निकल गई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चला और ये सारे बिल्डिंग वाले इकट्ठा हो गए और मैं पूरी तरह जेल हो गई। सारी महिमा परमेश्वर को देना चाहूंगी, हमारे पास्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू जीसस। सारी महिमा मैं यीशु मसीह को देना चाहूंगी। थैंक यू जीसस। हमारे पास्टर जी को भी, हमारे पास्टर जी राजा मसीह जी को ईश्वर बहुत आगे बढ़ाए, बहुत तारीफ करती। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज हम पूरी तरह मसीह में है। पहले हम आरती चढ़ते थे लेकिन आज हम मसीह में है। थैंक यू जीसस। आप लोग भी यीशु के पास आइए और आप लोग भी चंगे हो जाएंगे। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करना चाहूंगी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु में आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ तू मौजूद होता है। आज तू यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू। धन्यवाद यीशु। आपने कहा है खड़े खड़े वो उद्धार के काम देखोगे जो यहोवा से करने जा रहा है। आज इस बिल्डिंग पे आपकी पवित्र आत्मा की आग आ रही है। थैंक यू जीसस। चंगे हो रहे हैं। थैंक यू जीसस। चंगे होकर जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपनी मर्जी से नहीं आए। थैंक यू जीसस। आत्मा ईश्वर आपको लेकर आए। थैंक यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया। नाम लेके बुलाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हर एक बीपी शुगर जड़ से खत्म हो जाए। थैंक यू जीसस। आग आने पाए आप सब पर। शैतानी शक्ति चली जाए, जादू टोना तंत्र मंत्र चला जाए, सारे शैतानी बंधन टूट जाए, कटे का श्राप चला जाए, आप सब हील हो जाए। आमेन। आत्मा की आग आ रही है आप सब पे। आप लोग से वापस नहीं जा रहे हैं। पवित्र आत्मा की आग आ रही है। आप लोग सब चंगे हो गए हैं। लंबे का रोग चंगा हो गया है। किडनी चंगी हो गई है। दुष्ट आत्मा चली गई है। दुष्ट आत्मा निकले अभी, उल्टी से निकले बाहर आए, बाहर आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बाहर आए, पसीने से आए, यूरिन से आए। आप लोग चंगे हो जाए। दुष्ट आत्मा पर वो
होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर, होली गोस्ट फायर। धन्यवाद परमेश्वर, गंदे का शराब टूट गया है। थैंक यू जीसस, बंधन टूट गए हैं। हालेलुया, चंगे हो गए हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। छोटी सी प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह। मुझे एक महीने से थोड़ी गले में प्रॉब्लम थी, मैं कुछ भी खा रही थी तो मैं जैसे रोटी खाती हूँ तो अड़ जाते खा नहीं पाती थी मैं, तो मम्मी भी बोलती थी कि बेटा डॉक्टर के पास जा, और मेरे हस्बैंड मुझे तो हमेशा बोलते थे कि तू चल डॉक्टर के पास चल। तो मैं एक बार गई तो डॉक्टर ने मुझे इतनी बड़ी बड़ी कैप्सूल दिए, तो कैप्सूल में खा नहीं पाती थी, अंदर मुझे अड़ता था और शायद छा लेते कि क्या, वो मुझे नहीं पता। बेटा कब से हो रहा है आपको ये? भैया एक महीना हो गया था मुझे। तो मैं एक बार दवाई भी मंगाई पर वो मैं वॉमिटिंग कर देती थी दवाई, एक ही बार एक दो बार पिया मैंने वॉमिटिंग हो जाती थी, मैं अंदर अड़ जाती थी दवाई, और रोटी बड़ी मुश्किल से मतलब गले में अड़ते हुए जाती थी मुझे। तो फिर मम्मी हमेशा डांटती थी कि तू जाती नहीं है, सुनती नहीं है, फिर पर मैं अंदर से प्रेयर करती थी कि मेरे को भगवान डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़े, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊँ, मैं रोज प्रेयर भी करती थी। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा तो होता था प्रॉब्लम, लेकिन लास्ट संडे जब हम लोग इधर आए थे पास्टर जी ने प्रेयर करी, तब मेरे सिर पे हाथ रख के जब प्रेयर कर रहे थे पास्टर जी, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ एक कपड़ा मेरे सिर पे से ऐसे जीसस का कपड़ा ऐसे उड़ता हुआ मेरे ऊपर से गया, और उसी समय बस जैसे पास्टर जी ने पूरा शरीर भारी हो गया था, और फिर मैं वहां चली उधर वॉशरूम की उधर, और मुझे वॉमिटिंग हो गई। सिस्टर नैंसी भी आई थी मुझे पूछने की दीदी क्या हुआ, तब मुझे ऐसा लगा कि शायद गर्मी की वजह से मुझे वॉमिटिंग हुई, ऐसे फेस फेस टाइप की वॉमिटिंग हुई, उस समय मैंने कुछ खाया भी नहीं था और मुझे वॉमिटिंग हुई। फिर मैं आगे इधर बैठ गई वर्शिप में, फिर मैंने उस समय गवाही नहीं दी पर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे वो गर्मी के कारण हुई। फिर जब मैं घर गई मैंने यहाँ पे खाना भी खाया था, दीदी को बोला कि मैं अच्छे से खाना भी खा पा रही थी, फिर मैंने सोची शायद चावल थे तो खा लिया मैंने, फिर मैंने घर पे शाम को रोटी भी खाई, फिर मैंने बोली शायद आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है अभी, लेकिन मैं रोज अच्छे से खाना खा पा रही हूँ, लेकिन अब मेरे को कोई भी परेशानी नहीं और मेरा गला भी बिल्कुल ठीक है। सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद दीजिए, इतनी बड़ी गवाही है ये, जीवन में आप रिसीव करें जो चीज नहीं हो रही थी, जिसके लिए परेशान थे, ये डॉक्टर को दिखाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर पे पूरा भरोसा करती है ये बहन, बहुत दिनों से प्रार्थना में है, बहुत दिनों से प्रभु में है, और इनको परमेश्वर के दास ने कहा है कि ये बहुत आगे जाएगी, प्रभु का काम करेगी ये बेटी। थैंक यू जीसस, थैंक यू। मैं देखता हूँ इनको पहले से, ये मेरी बहन है, ये बहुत ज्यादा प्रेम में है, प्रभु ने इन्हें छुआ है और इनके परिवार को और आगे ले जा रहा है प्रभु, और इन्होंने पूरा भरोसा रखा है, और परमेश्वर ने इसे बहुत आयुष से आशीष दिया, ये पूरी तरीका से चंगी हो गई है, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की जय। दवाई मेरे हस्बैंड फिर भी नहीं माने, बहुत सारा पैकेट दवाई का ला के अभी भी टेबल पे रखा है, मुझे रोज चिल्लाते तू पीती क्यों नहीं, पीती क्यों नहीं, मेरे लिए नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमको दवाई नहीं पीना है, हमारा डॉक्टर यीशु मसीह है। मम्मी मुझे हमेशा जाना चाहती है, और